में एक अपराधियों को जो है वो तीन अपराधियों को पेश कर रहे हैं, उससे पहले शहर के मुख्य मार्गों से उनकी परेड भी निकाली गई। किस तरीके का मैसेज पुलिस देना चाह रही है और क्या ये घटना थी सर? ये घटना क्या 8/7/2024 को नवले के चक्की है वहाँ पे ये घटना घटित हुई। तो एक जो दुकानदार था उस पर जानलेवा हमला उसके, तो इससे आम जन में असुरक्षा की भावना इसमें ये हुई कि जो घटना हुई बाड़मेर पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई। इसमें जो मुकदमा दर्ज 126 नंबर मुकदमा दर्ज करके पुलिस थाना रिको में दर्ज किया गया। इसमें तीन अभियुक्त जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पहले भी रिकॉर्ड इनके HSP खोले गए पकड़े गए और इसमें कुल मिला के 9-10 आदमी थे। इसमें हमने अभी तीन और दूसरे भी दस्तियाब जो मेन थे उनको भी कर लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आम जन से मेरे यही पुलिस की तरफ से ये कि जो छोटी जैसे पहले ये घटना हुई एक कोई ठंडे की बोतल के लेकर और पुलिस कंट्रोल रूम में पता लगा, पुलिस जो इसमें जो SI था उसने इतने हड़कम लिया नहीं बताया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। पर आम जन में मेरा ये कि जो भी इस तरह के मुलजिम है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई बाड़मेर पुलिस द्वारा की जाए। इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, कितने नामजद हैं? इसमें लगभग 9 या 10 नामजद हैं, तीन अभी गिरफ्तार करके पेश कर रहे हैं और हमारी अलग अलग टीम लगी हुई है, उनको तीन और दस्तियाब कर लिए। जो मेन मुलजिम है सौरभ सिंह और जो हार्डकोट है उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको भी जल्दी आप गिरफ्तार करके आपको सूचित करें। सर वहाँ पे एक पिस्टल हवा में वीडियो वायरल हो रहा था। हाँ ये बिल्कुल पिस्टल थी, पिस्टल बरामद करेंगे। एक उसमें फायर हुआ है, उसमें आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई, ये सही था कि आर्म्स का यूज हुआ। सर ये जो पकड़े गए आरोपी आदतन है या फिर अभी नहीं, ये जो पकड़े गए आदतन है जिसमें पकड़े कोई 10,000 सातौर जिले में इनाम है। एक अपने यहाँ का हार्डकोर अपराधी स्वरूप सिंह है, पूरा जैसे का बाड़मेर ग्रामीण का पहले भी मुकदमे खोप थे, 8-9 उसकी HS खोल रहे हैं और उसको 8 और की श्रेणी मिले। सर कौन से थाना अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, किस थाना के? SI था इसमें रतिराम, SI है जो रिको थाने पे था। जो 7 तारीख को रात्रि को घटना हुई तो मौके पे गया और कंट्रोल रूम से ये बोला कि छोटी मोटी बातें कोई बात नहीं, तो इसको पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया। हथकड़ी पहना के जो ये परेड कराई गई कोर्ट में पेश किया गया, क्या मतलब इसमें जो मेन जनता को इससे जो एक माहौल गया जो वीडियो ज्यादा हुई कि भाई इस तरह की घटना हुई, तो आम जन को बिल्कुल जो भी अपराध करेगा उसका इंजाम बाड़मेर पुलिस द्वारा इसी तरह किया जाए। थैंक यू सर। हूँ तो क्या करूँ।